तो सत्र कल से शुरू होने वाला है। विपक्ष की बयानबाजी काफी तेज होती नजर आ रही है। सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार मुद्दों और सवालों से भागना चाह रही है, इसलिए सत्र की अवधि इतनी रखी। देखा खास रिपोर्ट। सत्र पर घमासान जारी है, कई सवाल पूछे जा रहे हैं, विपक्ष हमलावर है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ सवालों के गोले दागे जा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी हमलावर दिखे। मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तो चार साल इस सरकार के लिए जिसकी अब ये सेशन भी इसी वास्ते एक दिन का बुला रहे हैं कि उनमें हिम्मत नहीं है कि फेस कर सके सेशन, क्योंकि इनकी उपलब्धि नहीं है। विधायकों को फेस करें या हरियाणा के लोगों को फेस करने की इन्होंने। अब सवाल सिर्फ सत्र की अवधि पर नहीं है, सवाल सरकार की नियत पर भी है। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी सरकार को घेरने में आगे आए। मुख्यमंत्री ने किस हैसियत से विपक्ष के नेताओं से बात की, और ये इस बात को उजागर करें कि उनकी किन नेताओं से बात हुई है और किन नेताओं ने उनको ये आश्वासन दिया कि एक दिन का सेशन काफी है। हम विपक्ष के लोग हैं, बहुत से मुद्दे उठाने हैं, और एक दिन का सेशन सिर्फ बिल पास करने में निकल जाएगा। जिन मुद्दों पर आवाज़ आनी चाहिए थी, आवाज़ उठनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं एक दिन के सेशन में वो आवाज़ उठ नहीं पाएगी। पिछले सत्र की कुछ बातें भी याद रखिएगा, शायद इस सत्र में उसकी तपिश भी महसूस हो। करण दलाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, अदालत ने नोटिस थमा दिया, अब स्पीकर और प्रदेश सरकार को जवाब देना है। कोर्ट ने सभी रिस्पोंडेंट्स को, हरियाणा विधानसभा, स्पीकर हरियाणा विधानसभा, स्टेट ऑफ हरियाणा को नोटिस किया है कल के लिए। कोर्ट ने हमारी इस बात को संज्ञान में लिया कि जो सस्पेंशन थी वो रूल 104B की टोटल वायलेशन है, जिसमें कि सत्र की अवधि से ज़्यादा किसी का सस्पेंशन नहीं हो सकता। हमारे केस में हमारा सस्पेंशन एक साल के लिए किया गया, बगैर प्रोसीजर फॉलो करे किया गया। अब आगाज ऐसा है तो अंजाम का अंदाजा लगा लीजिए, आसान नहीं होगा। हालांकि सरकार भरपूर कोशिश करेगी कि सारे विधायी काम निपटा लिए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।